लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आराधकों की आराधना भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। महोत्कट को देखकर देवी अदिति आनंद मग्न हो जाती हैं। दिति की आज्ञा से देवांतक नरांतक स्वर्ग पर आक्रमण करती हैं। बृहस्पति इंद्र को सावधान करते हैं, परंतु हठी इंद्र युद्ध में दैत्यों से पराजित होता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमो नमः। अनर्थ हो गया माते, अनर्थ। भगवान शिव ने पातालवासी असुर देवांतक और नरांतक को वरदान देकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। उन दोनों दुष्टों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके। ओम नमः शिवाय, ओम मातृदेवै नमः। महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, हमें देवांतक और नरांतक के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। हम पर कृपा करें प्रथम पूज्य श्री गणेश। देवराज, आप मेरे महान पिताश्री की शरण में आए हैं। जो कुछ भी निवेदन करना है इन्हीं से करें। मैं तो अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय, आप देवसेना के सेनापति हैं। भगवान शिव का वरदान पाकर दुष्ट असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। ये पराजित देवताओं के साथ साथ आपकी भी है। नहीं देवराज, ना तो असुर विजय हुए हैं और ना देवता पराजित। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार कार्तिकेय? मैं सत्य कह रहा हूँ देवराज। असुरों के सत्कर्म, जप, तप और आराधना ने विजय पाई है, जबकि देवताओं का दुष्कर्म पराजित हुआ है। अपने अहंकार में आपने महान त्रिदेवो, अपने गुरुदेव और संसार की शुभ शक्तियों का भयानक अपमान किया है, जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था। अब हर ओर से निराश होकर आप देवादिदेव महादेव की शरण में आए हैं। असुरों से युद्ध से पहले तो आप युद्ध का बिगुल कैलाश पर ही बजवा देने को उन्मत्त थे। इतना सब होने पर भी मैं आपके कैलाश आने का कारण जान सकती हूँ? देवी पार्वती, इस समय में भी देवराज हमसे प्रार्थना करने नहीं, अभी तो ये कहने आए हैं कि हम देवांतक और नरांतक को वरदान न देते तो इन्हें असुरों से पराजित न होना पड़ता। महादेव, मैं तो संकट मुक्ति की प्रार्थना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं जानता हूँ आशुतोष कि देवांतक और नरांतक को आपने उनकी तपस्या का प्रतिफल प्रदान किया है, इसलिए आपकी। देवराज, संसार के हर प्राणी को अपने अर्जित किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। स्वर्ग के सुख में मग्न होकर आप और देवताओं का सत्कर्मों और तपस्या से दूर हो जाना स्वाभाविक ही था। परंतु महादेव, अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान करके आपने अपने संकट स्वयं निमंत्रित किए हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपने हर तपस्वी को संदेह की दृष्टि से देखा है। किसी के भी प्रति आपके मन में आदर का भाव नहीं है। क्षमा करें देवाधिदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। देवराज, अब तो आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि श्री महागणेश की आराधना का फल प्राप्त नहीं कर लेते। आप अपने माता पिता देवी अदिति और कश्यप ऋषि की शरण में जाएं। वे श्री महागणेश के भक्त हैं, उन्हीं की सहायता से आपके संकट मुक्त होंगे, आपका कल्याण हो। देवराज, आपकी आशा परम देव श्री महागणेश ही पूर्ण करेंगे। मैं नहीं, मैं तो आपको केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। क्या बात है कुमार,
तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या गजानन से खेल में फिर से विवाद हुआ? क्या बात है गजानन, तुम दोनों भाई मौन क्यों हो? पिताश्री, भैया कार्तिके मुझे अकेला छोड़कर शहर लौट जाना चाहते हैं। इन्हें महर्षि अगस्त्य का आदेश प्राप्त हो चुका है। नहीं नहीं, मैं कुमार को फिर से श्री शैल नहीं जाने दूंगी। पुत्र कार्तिकेय, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। माता श्री, क्या गुरुदेव की आज्ञा को ठुकराना उचित होगा? कदापि नहीं देवी पार्वती। महर्षि अगस्त्य कार्तिकेय को हमारी आज्ञा से श्री शैल पर्वत ले गए थे। अब कार्तिकेय पर हमसे अधिक उनका अधिकार है। पर्वत नंदिनी, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ। तुम माँ हो ना, माँ एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती, परंतु बच्चे के भविष्य के लिए माँ को कठोर से कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अपनी भावनाओं और स्नेह को दबाना ही पड़ता है। जब तुम्हारा मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने श्री शैल पर्वत चला आऊंगा। जब माता श्री पिताश्री तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ भैया, इसीलिए आप शोक न करो। ओम नमः शिवाय, ओम मातृदेवाय नमः। अब आप मुझे आज्ञा दे भैया गजानन, माताश्री और पिताश्री को ये अनुभव ना होने देना कि मैं उनकी सेवा में नहीं हूँ। तुम निश्चिंत रहो बड़े भैया, मैं अपने ही साथ तुम्हारे कर्तव्य भी पूर्ण करता रहूंगा। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। असुर वीरो, जिस प्रकार तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वर्ग पर विजय पाई है, उसी प्रकार पृथ्वी पर अधिकार कर लो। मेरी इच्छा से पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य स्थापित करो। दैत्यराज नरांतक की जय। देव त्रिदेविया और सभी शुभ शक्तियों की भक्ति करने वाले भक्तों से कहो कि वे हमें अपना भगवान स्वीकार कर ले। जो हमारा आदेश माने उसे असुर जाति में दीक्षित करो, और जो ना माने उसे मृत्यु दंड दो। जाओ, पृथ्वी पर असुर शक्ति का ध्वज फहरा दो। दैत्यराज नरांतक की, दैत्यराज नरांतक की। Thank you.
सम्राट असुर राज नरान तक की। असुर सेनापति, क्या पृथ्वी के समस्त राजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार करके हमें भगवान मान लिया? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सेनापति। क्षमा करें असुर सम्राट, समस्त पृथ्वी लोक में आपकी विजय का डंका बज रहा है, परंतु परंतु क्या मूर्ख, परंतु क्या? क्षमा करें असुर सम्राट, काशीराज महाराज शिव शरण आपको भगवान मानने को प्रस्तुत नहीं है। क्या तुमने उस दुष्ट को दंडित नहीं किया? उसे दंडित करने का हमारा प्रयास असफल हुआ असुरराज, हमारे अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। तो तू जीवित कैसे बच निकला? अन्य असुर वीरों की तरह तू भी वीरगति को प्राप्त हुआ होता स्वामी तो हमें प्रसन्नता होती। स्वामी, मैं अपने प्राण बचाकर किसी तरह। अर्थात तू युद्ध भूमि से भीरू और कायरों की तरह भाग निकला। ना तो तू असुर कहलाने के योग्य है और ना जीवित रहने के। असुर वीरो, अब मेरी ये तलवार काशीराज शिव शरण का रक्त पीने के लिए उत्सुक है। चलो काशी की ओर। काशीराज महाराज शिव शरण पधार रहे हैं। काशीराज महाराज शिव शरण की। 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 राजगुरु विश्वनाथ जी। आज्ञा महाराज। मुझे महामंत्री जी ने आपकी भविष्यवाणी के विषय में बताया। महाराज, आपकी राशि में शनि और राहु के साथ मंगल भी प्रवेश कर गए हैं, जिसके कारण महामार्केश की दशा लग गई है। इस समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है महाराज। राजगुरु विश्वनाथ जी, मैं अपनी शिव और श्री महागणेश भक्ति के मूल्य पर कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, इस समय काल और दशा को देखते हुए आप अपने शत्रुओं से संधि कर लें। प्राण रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजगुरु विश्वनाथ जी। दैत्य सम्राट नारायण तक की। दैत्य सम्राट नारायण तक की। दैत्य सम्राट नारायण तक की। महाराज, असुर सेना काशी महल तक आ पहुंची है, आप सावधान रहें। हम दुष्ट नारायण तक की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम भगवान शिव और श्री महागणेश के उपासक हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो परम देव श्री महागणेश की। बोलो परम देव श्री महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। महागणेश की। दैत्यराज नारायण तक की। दैत्यराज नारायण तक की। राज, पृथ्वी के समस्त सम्राट राजा और महाराजा हमारे चरणों में गिरकर हमें अपना भगवान स्वीकार कर चुके हैं। यदि तुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अपना मुकुट हमारे चरणों में डालकर हमारी जय जयकार कर। हम जानते हैं नारायण तक, भगवान शिव से वरदान पाकर तू उन्मत्त हो चला है। तेरी असुर सेना भी एक बार मुझसे पराजित होकर मैदान से भाग चुकी है। अब मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो जा, पाताल के अंधकार में कहीं जाकर छुप जा। वरदान देते समय भगवान शिव ने मुझे अत्याचार न करने का परामर्श दिया था और मुझे भी व्यर्थ का पात प्रिय नहीं है, परंतु तेरे जैसे दुष्ट प्रहार की भाषा ही समझते हैं। सावधान नरंतक, यदि तूने एक शिव भक्त पर प्रहार करने की भूल की तो तेरा वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। मैं यहाँ जय जयकार सुनने आया हूँ, तेरा व्यर्थ का उपदेश नहीं। यदि एक क्षण में तूने अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मेरी जय जयकार नहीं की तो तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रह पाएगा। मुझे मृत्यु का भय मत दिखा अत्याचारी। काशीराज शिव शरण अपने आराध्य भगवान शिव और श्री महागणेश के अतिरिक्त किसी की जय जयकार नहीं करेगा। भगवान शिव और परमदेव श्री महागणेश की। Ha ha ha!
राजावासियों, हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब हमें अपना भगवान स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें असुर जाति में दीक्षित करके प्राण दान दे देंगे, अन्यथा काशीराज की भांति तुम सबके मस्तक भूमि पर लुढ़कते दिखाई देंगे। माता दीदी, बोलो दैत्य माता दीदी की जय। प्रणाम दैत्य माता। पृथ्वी सम्राट नरांतक, मैं देवांतक की स्वर्ग विजय और तुम्हारी पृथ्वी विजय पर बधाई देने आई हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है दैत्य माता दीदी। विजय के शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ पृथ्वी सम्राट। अवश्य दैत्य माता। नरांतक, मेरा आशीर्वाद पाकर तुम पृथ्वी के सम्राट बन गए और तुम्हारा भाई देवांतक स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है, परंतु मुझे क्या मिला? आपको क्या चाहिए दैत्य माता? आज्ञा करें, मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी सौत दुष्टा देव माता अदिति और मेरे पति देव ऋषि कश्यप को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। मेरा हृदय न जाने कब से उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तड़प रहा है। दैत्य माता दीदी, इस समय आपने अपने दास से पृथ्वी का साम्राज्य मांगा होता तो वो भी मैं आपके चरणों में रख देता। नरांतक, तुम नहीं जानते, दैत्य माता दीदी के लिए पृथ्वी साम्राज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण उस दुष्टा अदिति को अपमानित करना है। आपकी इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होगी दैत्य माता। बोलो दैत्य माता दीदी की जय। दैत्य माता दीदी की जय। दैत्य माता दीदी की।